अब बात करते हैं मकर राशि के जातकों के बारे में। तो जो मकर राशि वाले हैं, आज आपको उतावलेपन में, गुस्से में, जल्दबाजी में कोई कार्य नहीं करना है। और ध्यान रखना है कि बहुत उतावलेपन में कार्य करने से आपका कार्य बिगड़ सकता है, गुस्से से आपके नुकसान हो सकता है, इससे बचने की ज़रूरत है। और अंतरात्मा की आवाज़ को सुने, उस पर कार्य करें। और आज आपकी नौकरी में, कार्य क्षेत्र में विस्तार हो सकता है, पदोन्नति का योग बन रहा है। आज आपको पत्नी से किसी वजह से लेकर के वाद विवाद हो सकता है, वैचारिक मतभेद हो सकता है, तो इससे भी मध्यम मार्ग अपनाना आपके लिए अच्छा रहेगा। अत्यधिक खर्च से मन उद्विग्न हो सकता है, तो इससे आज आपको बचने की ज़रूरत है। और अब मकर राशि वाले जो जातक हैं, इनको ये ध्यान रखना है कि आपके जो लग्न में ही चंद्रमा केतु मंगल है, आज आपका मन अकारण चिंतित रहेगा, कारण परेशान रहेगा, कारण तनाव में रहेगा, तो ऐसे परिस्थिति से थोड़ा बचने की ज़रूरत है। और सातवें भाव को देख रहा है तो पत्नी से वैचारिक मतभेद हो सकता है, इससे भी थोड़ा बचने की ज़रूरत है। और आपके दशम भाव में बृहस्पति है, तो आपके कर्म क्षेत्र में विस्तार होगा, पदोन्नत होगी, कोई कार्य करेंगे उसकी बड़ी सराहना होगी, पुरस्कार मिल सकता है। सावधानी क्या बरतनी है? सावधानी ये बरतनी का आज अपने किसी बड़े की, गुरुजन की सलाह लेके कार्य करें तो अच्छा रहेगा, उसी की लेके कार्य की शुरुआत करें गुरुजन की, तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। उपाय क्या करना है? पीपल पर काले तिल के साथ साथ जल अर्पित करें या सरसों के तेल का दीपक जलावें, अच्छा रहेगा। और सावन का महीना चल रहा है तो भगवान शिव की आराधना करें, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें, अच्छा रहेगा। शुभ अंक 2 है, शुभ रंग सफ़ेद है और लक मीटर 8 है। हरे कृष्ण।